हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू इन यंग माइंड्स एकेडमी इन साइंस स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लासेस. माईसेल्फ रितेश एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ पोएट्री व्हिच इज नेम इज विंड, रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. स्टैंजा वन. विंड. विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. They look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Now, softly means slowly, dheere se. Shutters, doors, darwaze. Scatter, spread. Koi cheez ko phaila dena. शेल्फ, बुक शेल्फ, जहां हम लोग किताबें रखते हैं. टोर, चोई चीज को फाड़ देना, सेपरेट बाय पोलिंग. क्लेवर, हैविंग शार्प माइंड. पोकिंग, पुश करना. वीकलिंग्स, कमजोर. अब समझते हैं स्टैंजा वन लाइन 1-8 कहती क्या है. यहां पर जो पोएट है, द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड. वो पोएट विंड से बात कर रहे हैं. एंड ही आस्क्स द विंड, और वो विंड से कहते हैं विंड टू कम सॉफ्टली. विंड से कहते हैं हवा, थोड़ा धीरे आओ. सो ही सेइंग दैट द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग लाउड. वो कहना क्या चाहते हैं कि विंड जो हवा है उसको बहुत तेज और बहुत लाउड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी सॉफ्ट एंड सब्टल. उसको बहुत ही धीरे से आराम से आना चाहिए. देन ही सेज, उसके बाद वो बोलते हैं द विंड इज वेरी पावरफुल. हवा बहुत ही शक्तिशाली है. इट इज डिस्ट्रक्टिव. वो सब कुछ तहस नहस बर्बाद कर सकती है. इट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज. उसने जो विंडोज है, उसके जो शटर्स है, मतलब डोर्स, वो तोड़ दिए. एंड स्कैटर्स द पेपर्स. और हवा जब इतनी तेज चली तो जो हमारे पेपर थे, कागज थे, वो सब उड़ गए, बिखर गए इधर उधर. व्हेन द विंड इज वेरी पावरफुल, जब हवा बहुत ही पावरफुल होती है, All the books which are kept on the shelf fall down. सारी किताबें जो बुक शेल्फ में लिखी हुई है, रखी हुई है, वो हवा के फोर्स की वजह से सब गिर जाएंगी. Then he says to the wind, फिर वो विंड से बोलते हैं to look at the destruction that it had done. देखो तुमने क्या क्या बर्बाद कर दिया. Whenever there's a strong wind, जब भी विंड बहुत स्ट्रांग होगी, at the all the things that are weak, जो भी चीजें बहुत कमजोर हैं, लाइक स्मॉल प्लांट्स. अब कमजोर क्या क्या, छोटे पौधे, लाइक स्मॉल प्लांट्स, टाइनी चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, एक्सेट्रा. दे ऑल गेट स्केयर्ड, सब डर जाएंगे. एंड दे कैन इवन फॉल एंड गेट हर्ट. और वो गिर सकते हैं और इससे उनको नुकसान पहुंच सकता है. सो हमें कहना क्या चाहिए, इस पोएट जो स्टार्टिंग में हमें जो कहना चाह रहे हैं, दैट पोएट यहाँ पर जो विंड को जो रेफर कर रहे हैं, एज अ यंग चाइल्ड बता रहे हैं. यंग चाइल्ड, एक छोटा बच्चे की बात कर रहे हैं. वो पोएट क्या कह रहे हैं, दैट इट शुड कम सॉफ्टली. एक छोटे बच्चे को धीरे से आना चाहिए, जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड डज. जैसे कि छोटा बच्चा करता है, उसी तरीके से विंड तुमको भी धीरे से आना चाहिए. और बाद में भी कम को हमें पता चलेगा, जो विंड इतनी डिस्ट्रक्टिव है, जो इतनी तबाही लाती है, जस्ट लाइक अ यूथ. यूथ जो कि टीनेजर, बड़े, लाइक 14, 15, 16, 17, राइट, प्लस. और जस्ट लाइक अ यंग बॉय और यंग गर्ल, जैसे कोई बड़ा बच्चा, यंग लड़का, यंग लड़की हो, जो कि हु इज फुल ऑफ एनर्जी, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन. यहां पे पोएट रेफर कर रहे हैं उसको, विंड को. तो विंड से वो क्या कह रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा धीरे से आता है, विंड तो में वैसे आना चाहिए. और विंड इतनी जो स्ट्रांग है, उसको वो रेफर कर रहे हैं यंग चाइल्ड, यंग गर्ल से, यंग बॉय से. लाइन नंबर 9. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. अब यहां पे crumbling बहुत बार रिपीट हुआ. अब फर्स्ट वर्ड frail, frail का मतलब कमजोर, weak. crumbling का मतलब भी टूट जाना. rafter, log of wood used in roof, जो छत पे इस्तेमाल की जाती है लकड़ियां, उसे हम लोग बोलते हैं. अब इसका मतलब समझते हैं. यहां पर जो क्रम्बलिंग है, जो इतनी बार रिपीट हो रहा है, कई बार, उस पोएट स्ट्रेस देना चाह रहे हैं इस वर्ड पर कि जो
क्रम्बल, ये जो विंड का जो चेहरा है वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो हर चीज को तोड़ देगा। सो राइटर यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो विंड इज वेरी पावरफुल, विंड बहुत शक्तिशाली है और ये इतना स्ट्रांग है कि वो सारी चीजों को वो तोड़ देगी। विंड सारी चीजों को तोड़ देगी। अब हाउसेस, जो मकान, जो घर जो बहुत ही कमजोर है वो गिर जाएंगे, जो डोर्स, जो दरवाजे हैं जो बहुत ही कमजोर है वो टूट जाएंगे और सब गिर जाएगा। वुडन का स्ट्रक्चर जो बनाए हवा से सब गिर जाएगा। सारी बॉडीज, मतलब इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, लाइव हार्ट, सब तहस नहस हो जाएगा। तो यहां पे पोएट्स सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स, हर चीज टूट जाएगी, बिखर जाएगी, क्रम्बल हो जाएगी। एवरीथिंग दैट इज वीक, और वो कौन सी चीजें जो कि कमजोर हैं, जो कि वीक हैं, और वो सारी चीजें गिर जाएंगी। तो पोएट यहां पर यही कह रहे हैं कि वेन एवर अ वीक पर्सन, अगर कोई कमजोर इंसान अगर अपनी लाइफ में ये सारी चीजों को फेस करे तो उसको एक चैलेंज की तरीके से एक्सेप्ट करे, मतलब उसको हारना नहीं है, उसे फेस करना है, उसे कॉम्पीट करना है, और ना कि उसको अपनी लाइफ में हार मान लेनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइन नंबर 10 कहती है द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड विनोस, अ विनोस, विनोस से आपको याद होगा, आपके अपने घर में देखा होगा जब मम्मी लोग अनाज को साफ करती हैं तो जब अनाज को विनो से यूज करती है, विनो से, तो उसमें जो स्ट्रांग पार्टिकल्स होते हैं वो रुक जाते हैं और जो वीक पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में उड़ के निकल जाते हैं, इससे सफाई होती है। तो विंड टू ब्लो शाफ्ट, शाफ्ट इज द ग्रेन, अनाज। अब इसका मतलब समझते हैं इस लाइन का। द पोएट इज एड्रेसिंग टू विंड एज विंड गॉड। अब यहां पे जो पोएट है वो विंड को विंड का भगवान भाव कह रहे हैं, हवा का देवता कह रहे हैं। एंड ही सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोस, दैट मीन ही शिफ्ट्स ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड गेट क्रश्ड। मतलब ये जो विंड ऑफ गॉड है वो जितने भी कमजोर लोग हैं उन सब चीजों को तोड़ देंगे, उन सब इंसानों को गिरा देंगे। और सो हियर, यहां पे कंपैरिजन हमें पता चलता है। कंपैरिजन किसे पता चलता है? वीक वीट और पीपल। वीट मतलब अनाज और पीपल मतलब इंसान। जो कमजोर होंगे वो हवा के सामने तहस नहस हो जाएंगे। जस्ट लाइक वी विनो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम शाफ। जिसी तरीके से हम लोग जब अनाज साफ करते हैं तो उसमें जो वीक चीजें होती हैं पार्टिकल्स वो गिर निकल जाते हैं और स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स बचते हैं, उसी तरीके से विंड जो हवा है वो फ्रेल, वीक, कमजोर चीजों को तहस नहस, बर्बाद कर देती है। When there is a strong wind, all the things that are weak fall and get crushed. और जब भी विंड बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ऑब्वियसली विंड इज वेरी पावरफुल, और हालांकि जब वो बहुत ही फोर्स में बहुत तेजी से होगी तो सारी जो कमजोर चीजें हैं वो सब क्रश हो जाएंगी, वो सब गिर जाएंगी। स्टैंजा 2 लाइन 126 क्या बोलती है? He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. अब यहां पे firmly का मतलब strongly है, firm का मतलब अपने आप को strong बनाना, steadfast का मतलब जो चीज हिल डुल ना सके, इसका मतलब समझते हैं। अब poet जो है, पोएट वॉन्ट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। वो हम चाहते हैं कि हम लोग विंड से दोस्ती कर लें। द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ, मतलब हमारी जिंदगी में जो परेशानियां, जो चैलेंजेस हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लें। ही सेज दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस, मतलब लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो कभी हमारी नहीं सुनेंगी। दे विल कम सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो वो परेशानियां हमारी लाइफ में आएंगी ही, तो इसलिए हमें और पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और प्रिपरेशन में क्या करना होगा? वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज द डोर्स ऑफ हाउस फर्मली। हमें अपने घर मजबूत बनाने होंगे, अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियों को बंद रखना होगा, सो दैट द विंड कैनॉट गेट इन टू, ताकि वो विंड ना आ सके हमारे घर के अंदर।
And then he says that we should also make a body strong. और घर के अलावा हमारी हमें अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा. एंड हार्ट फर्म टू फेस दीज चैलेंजेस, और अपने हार्ट अपने दिल को भी, ताकि वो सारे चैलेंजेस जो लाइफ में आने वाले हैं एक प्रॉब्लम के रूप में, हम उसको फेस कर सके, उससे फाइट कर सके. एंड देन वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स. और जैसे ही हमारा घर, हमारी बॉडी, हम सब स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, तो वी आर रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस. हम वो सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे. वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम. और उसके बाद हमें क्या लगेगा, ये सब चीजें तो हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है. क्यों? बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर रेडी. लाइन 6-10 क्या बोलती है? द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. मीन्स ब्लोस का मतलब मूव करना, रोर का मतलब लाउड साउंड. लायन रोर्स, शेर दहाड़ता है, लाउड साउंड. फ्लरिश ग्रो करना, डेवलप करना, इसका मतलब समझते हैं अब हम लोग. द पोएट हैज किप्ड द विंड ऑन अ पेडेस्टल. पेडेस्टल, जब कोई विंड ऑफ गॉड कोई मूर्ति होती है, इसका पेडेस्टल पे जो खड़ी होती है, पोएट उसको वहां रखता है. ही इज कंपेयरिंग द विंड टू गॉड. वो विंड को भगवान से कंपेयर कर रहा है. भाई कोई भी भगवान की अगर आपने मूर्ति देखी हो तो वो पेडेस्टल पे ही खड़ी होती है, राइट? तो पोएट यहां पे विंड को किससे कंपेयर कर रहा है? गॉड से कंपेयर कर रहा है. ही सेज दैट विंड इज गॉड एंड वी प्रेज विंड एवरी डे. विंड भगवान है और हमें इसकी डेली तारीफ करनी चाहिए. ही एड दैट एवरीथिंग दैट इज वीक गेट्स फिनिश्ड ऑफ इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड. कहता जो भी चीज बहुत कमजोर होगी वो विंड के सामने खत्म हो जाएगी. एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग आर ग्रो टू बिकम स्ट्रॉन्गर. तो सारी चीजों को मजबूत होना पड़ेगा. ही इज गिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. पोएट हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं दैट वी शुड नॉट फील बैड. हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए. दैट वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस. हम बहुत सारे चैलेंजेस देख रहे हैं, प्रॉब्लम देख रहे हैं अपनी लाइफ में. हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए. वी शुड मेक अस सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग. हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा टू फेस दीज चैलेंजेस. तो वंस अगेन इफ वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर हम मजबूत होते हैं, वी विल ओवरकम द चैलेंजेस. हम ये सारी परेशानियां प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे. वी विल बिकम फ्रेंड्स विद देम एंड देन वी विल बी हैप्पी दैट वी हैड दीज चैलेंजेस इन आवर लाइफ बिकॉज दे हेल्प अस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर. उसके बाद क्या होगा, हम इन सारी परेशानी और प्रॉब्लम के दोस्त, इनसे जब हम दोस्ती कर लेंगे, इनसे हम घबराएंगे नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से सॉल्व हो जाएगी और हम और स्ट्रॉन्ग और बेटर फ्यूचर में होते जाएंगे और डेवलप करेंगे. अब आपको मैं लिटरेरी डिवाइसेस बता दूं इस पोएम में. द एंटायर पोएम इज रिटन इज अ फ्री वर्स. मींस कोई राइम स्कीम है ही नहीं, एक फ्री वर्स है ये. फ्री वर्स मीन वर्स मीन लाइंस. देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम. इस पोएम में कोई राइम स्कीम है ही नहीं. अब लिटरेरी डिवाइस क्या यूज हुई है? एनाफोरा. एनाफोरा मतलब व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू अ मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन, इट इज द डिवाइस ऑफ एनाफोरा. अगर कोई शब्द बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो एनाफोरा है. जैसे कि डोंट से स्टार्ट हो रहा, यू से स्टार्ट हो रहा बार बार, तो ये एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है. पर्सोनिफिकेशन. अब यहां पे पर्सोनिफाइड विंड है. विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड. यहां पे पोएट बोल रहे ना यू आर, तो यहां पे वो किसको रिफर कर रहे हैं? यू विंड को. तो यहां पे वो विंड को, ही स्टेटिंग विंड एज अ पर्सन. वो विंड को एक इंसान की तरह बोल रहे हैं, रेफर कर रहे हैं. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आती है रेपिटिशन. रेपिटिशन इसे मतलब से आप समझते हैं, बार बार रिपीट होने वाली चीजें. तो मैंने आपको दिखाया था क्रम्बलिंग वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ था. तो क्रम्बलिंग बहुत इज रिपीटेड मेनी टाइम्स. तो पोएट वॉन्ट टू से दैट विंड क्रशेस एवरीथिंग दैट इज वीक. भाई पोएट ये तो कहते हैं विंड वो हर चीजों को बर्बाद कर देती है जो कमजोर है.
तो क्रमलिंग का मतलब वही था। तो यहां पे जो वर्ड क्रमलिंग बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये कौन सी पोटिक डिवाइस है? रेपिटिशन। उसके बाद अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटिशन है, राइट? ठीक है, जैसे कि विंड विनोज, विंड का डब्ल्यू, विनोज का डब्ल्यू, वॉन्ट का डब्ल्यू, वॉन्ट का डब्ल्यू, तो ये रेपिटिशन है। लास्ट इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म मीन्स दैट द थिंग रिफर्स टू सम अदर थिंग, किसी और चीज को रिफर कर रहा हो, जैसे कि यहां पे विंड है, विंड एक सिंबोलिज्म है। ये किसको रिफर कर रहा है? विंड चैलेंजेस इन लाइफ, विंड रिफर कर रहा है चैलेंजेस इन लाइफ। तो यहां पे ही इज यूजिंग विंड एज अ सिंबल फॉर एडवर्सिटीज इन अ लाइफ, मतलब यहां पे जो विंड है वो रिफर कर रहा है हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, चेंजेस, एडवर्सिटीज इन लाइफ को। समरी, अब आपको मैं शॉर्ट में इसके एक समरी समझा दूं। अभी तक हम लोगों ने पोएम में किया क्या? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द विंड। पहले पार्ट में हमें पता चलता है कि विंड ने क्या एक्शन लिया। पोएट आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली, पोएट विंड से बोलता है कि आराम से आओ, धीरे से आओ। ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर, वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि जो विंडोज के जो शटर्स है, डोर्स है, उन्हें मत तोड़ो। ऑफ द विंडो नॉट टू स्कैटर द पेपर, उन कागजों को मत फैलाओ। थ्रो डाउन द बुक फ्रॉम द शेल्फ, बुक्स ऑफ द किताबों को नीचे मत गिराओ। बट द विंड थ्रोज द बुक्स एंड टियर द पेजेस, मगर विंड ने क्या किया? वो सारी किताबें गिरा दी, वो सारे कागज फाड़ दिए। द पोएट सेज दैट द विंड मेक्स अ मॉकरी ऑफ वीकनेस, पोएट को ऐसा लगता है कि जो विंड है, जो कमजोर है, उन पर मजाक उनका बनाता है। इट ब्रिंग्स डाउन फेल हाउसेस, वो जो कमजोर घर हैं उनको वो तोड़ देगा। क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स को खराब कर देगा। राफ्टर, राफ्टर द लॉग ऑफ वुड विच इज यूज इन रूफ, छत पर जो इस्तेमाल होती है। इवन वीक हार्ट, कमजोर दिल वालों को भी विंड तहस नहस कर देगा। इट क्रशेस एवरीथिंग दैट इज वीक, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ जाएंगे पोएट कहना क्या चाह रहा है। इट क्रशेस एवरीथिंग दैट इज वीक, जो भी चीजें कमजोर है उसको क्रश कर देगा, फिनिश ऑफ कर देगा। द पोएट एडवाइजेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग, अब यहां पोएट हमें एडवाइस भी दे रहे हैं। वॉट? कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा फिजिकली एंड मेंटली। ओनली देन कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द विंड, तभी हम लोग विंड से अपने आप को बचा पाएंगे। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम विद फर्म डोर्स, हमें अपने घर को मजबूत बनाना होगा, हम उसके डोर्स मजबूत होने चाहिए। आवर बॉडीज एंड हार्ट शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा हार्ट, हमें सब स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग, यही एक तरीका इस दुनिया में, कमजोर लोग को लात मार दी जाती है और मजबूत लोग को एक्सेप्ट कर दिया जाता है। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। द विंड ब्लोस आउट द वीक फायर्स बट मेक द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर्स एंड फ्लरिश, विंड जो कमजोर चीजें उन्हें बिल्कुल तहस नहस करता है, मगर जो स्ट्रॉन्ग चीजें वो विंड के सामने और रोर लॉर्ड साउंड में आता है। यहां पर तो पोयम सिर्फ एक यही बात हमसे कहना चाह रहे हैं, Nobody cares for the weak, जो कमजोर है उसका ख्याल कोई नहीं रखता। So even the wind is in the side of the strong people, wind भी मजबूत strong लोग के साथ ही होती है। We must make ourselves strong to become successful, हमें अपने आप को strong बनाना होगा life में success पाने के लिए। And overcome the challenges in life, और life में जो भी problem आई हमें उसको strongly face करना होगा, fight करना होगा। तो इसमें हमारे पोएट हम लोगों को बस इतना ही बताना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, गो थ्रू द पोएम अराउंड 3 times एंड बिलीव मी, व्हेन यू विल कंप्लीटिंग द थर्ड स्लाइड थर्ड टाइम, यू विल एबल टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पोएम। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, study hard, stay safe and stay at home. Thank you very much. Goodbye.